नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंटर और उसके टाइप्स। यहाँ पर प्रिंटर का बेसिकली यूज किया जाता है हार्ड कॉपी रिसीव करने के लिए। जिस तरह से मॉनिटर की हेल्प से डेटा की सॉफ्ट कॉपी देखी जाती है, ठीक उसी तरह से या उसके विपरीत कह सकते हैं कि प्रिंटर के थ्रू किसी भी डेटा की हार्ड कॉपी रिसीव की जा सकती है। हार्ड कॉपी यानी कि उसे पेज पर डेटा को प्रिंट करके हम रिसीव कर सकते हैं। जब प्रिंटर की बात होती है तो प्रिंटर को यदि उसकी टेक्निक वर्किंग टेक्निक की बात करें तो वर्किंग टेक्निक के बेस पर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। यानी उसके काम करने के तरीके को यदि हम आधार मानते हैं, बेस मानते हैं, तो प्रिंटर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है कैरेक्टर प्रिंटर, दूसरी कैटेगरी है पेज प्रिंटर, तीसरी कैटेगरी है लाइन प्रिंटर। यहाँ नाम से ही हमें समझ में आ जाता है कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंटर्स की वो कैटेगरी है जो एक टाइम में केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर सकती है। इस कैटेगरी से प्रिंटर की कैपेसिटी भी क्लियर हो जाती है, वर्किंग की उसकी कैपेसिटी क्या है वो भी क्लियर हो जाता है। यदि कोई प्रिंटर एक टाइम में केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट कर रहा हो तो उसे कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी के समय में कैरेक्टर प्रिंटर के तौर पे यूजुअली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज किया जा रहा है। इसके अलावा कई कैरेक्टर प्रिंटर जिनका नाम डेसी व्हील या कुछ और भी इस तरह के प्रिंटर हैं वो अब सामान्य तौर पे यूज में लिए नहीं जाते हैं। इसके बाद लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर नाम से ही समझ में आता है प्रिंटर की वो कैटेगरी जो एक टाइम में पूरी एक लाइन प्रिंट करने में कैपेबल हो। क्योंकि ये एक टाइम में पूरी एक लाइन प्रिंट कर सकती है इसलिए इसकी वर्किंग स्पीड कैरेक्टर प्रिंटर की कंपैरिजन में फास्ट होती है। लाइन प्रिंटर के तौर पे अभी के टाइम में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही यूज में लिया जा रहा है। इसके अलावा कोई और प्रिंटर अभी इस कैटेगरी का करंटली यूटिलाइजेशन में नहीं है। आमतौर पर जो प्रिंटर्स अभी यूज में लिए जाते हैं वो पेज प्रिंटर्स हैं। नाम से ही समझ में आता है कि ये वो प्रिंटर हैं जो एक टाइम में पूरा एक पेज प्रिंट करने में कैपेबल हो। लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर इसी कैटेगरी के प्रिंटर्स हैं। उनमें कैपेबिलिटी है कि वो एक टाइम में पूरा एक पेज प्रिंट कर सकते हैं। तो वर्किंग टेक्निक के बेस पर प्रिंटर्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर। इसके अलावा प्रिंटर को डिवाइड करने की दो कैटेगरीज और हैं। पहली कैटेगरी है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में उन प्रिंटर्स को रखा जाता है जो प्रिंटिंग करते समय साउंड जनरेट करते हैं। कुछ प्रिंटर्स प्रिंटिंग करते समय साउंड जनरेट करते हैं। उनकी वर्किंग पॉलिसी ही ऐसी होती है जिनमें उन्हें प्रिंट करते समय स्ट्राइकिंग करनी होती है। जिस तरह से टाइपराइटर में टाइप करते समय स्पाइक्स हिट करते हैं रिबन के ऊपर, हर कैरेक्टर का अपना एक स्पाइक होता है और स्पाइक से जिस तरह से टाइपराइटर की वर्किंग पॉलिसी स्ट्राइकिंग बेस्ड होती है। स्ट्राइकिंग बेस्ड मतलब टाइपराइटर में हर एक कैरेक्टर का अपना एक स्पाइक होता है, पत्ती रहती है। जब टाइपराइटर में की प्रेस की जाती है तो उसका स्पाइक पत्ती उठकर रिबन पे हिट करती है। उस स्पाइक के ऊपर वो कैरेक्टर एम्बोज्ड रहता है, अंकित रहता है। जब स्पाइक रिबन पे हिट करता है तो रिबन पे हिट होने के बाद जो पेज लगाया हुआ रहता है उस पेज पर वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। तो क्योंकि इस तरह की स्ट्राइकिंग पॉलिसी पर बेस्ड होने के कारण टाइपराइटर साउंड जनरेट करता है। ठीक ऐसी ही पॉलिसी पर बेस्ड कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो स्ट्राइकिंग पर आधारित होते हैं, यानी प्रिंटिंग करते समय वो हैमर का यूज करते हैं जिसके कारण वो साउंड जनरेट करते हैं। यूजुअली डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरह की पॉलिसी का यूज करता है। प्रिंटिंग करते समय वो हैमर का यूज करता है जिसके कारण साउंड जनरेट होता है। इसके अलावा कई प्रिंटर्स हैं जैसे चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में ही आते हैं लेकिन करेंटली वो यूज में लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो काफी स्लो स्पीड प्रिंटर्स हैं। अभी के समय में ये कहा जा सकता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी का केवल एक ही प्रिंटर अवेलेबल है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा जो प्रिंटर्स प्रिंटिंग करते समय साउंड जनरेट नहीं करते हैं, साउंडलेस होते हैं, उन प्रिंटर्स को नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये प्रिंटर्स हैमर का यूज नहीं करते जिसके कारण ये स्ट्राइकिंग नहीं करते और बिना शोर करे डेटा प्रिंट करते हैं। और इस तरह के प्रिंटर्स के फॉर्म में लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए इंक का यूज करता है, इंक का छिड़काव करता है। इंक का छिड़काव करने के कारण ये आवाज जनरेट नहीं करता है।
ठीक वैसे ही लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग के समय पाउडर यानी कि टोनर का यूज करता है। पाउडर के थ्रू प्रिंटिंग करने के कारण यह भी साउंड जनरेट नहीं करता है। दोनों लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में आते हैं और सीधा सा बेसिस का ये है कि वो प्रिंटिंग के समय साउंड जनरेट नहीं करते हैं। प्रिंटर्स की ये कैटेगरीज थी जो हमने समझी। अब कुछ प्रिंटर्स के बारे में समझेंगे। तो शुरुआती प्रिंटर्स में से एक प्रिंटर था डीसी व्हील प्रिंटर। था इसलिए क्योंकि अब के समय में वो यूज में लिया नहीं जाता है। डीसी व्हील प्रिंटर का इंटरनल स्ट्रक्चर इस तरह के व्हील पर बेस्ड होता था, चक्के की तरह होता था। इस चक्के के पूरी तरफ हर एक तरफ ये स्पाइक्स बने हुए हैं। इन स्पाइक्स पर अलग अलग कैरेक्टर्स अंकित हैं, एम्बोज्ड हैं। ये स्पाइक्स आवश्यकता के अनुसार निर्धारित जगह पर हिटिंग करते हुए डेटा प्रिंट करते थे। ये चक्का व्हील घूमता जाता था और निर्धारित जगह पर जाकर डेटा को प्रिंट करता था। ये प्रिंटर एक टाइम में केवल एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर पाता था, जिसके कारण अगर इसे कैटेगरी में रखा जाए तो यह कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में आएगा। हाई स्पीड प्रिंटर इसे कहा नहीं जा सकता, यह स्लो स्पीड प्रिंटर है। और क्योंकि ये स्ट्राइकिंग पर बेस्ड है इसलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में रखना बेहतर होगा। ये स्पाइक्स जैसा मैंने बताया, इस पे कैरेक्टर एम्बोज्ड रहते हैं, अंकित रहते हैं। एक हैमर लगा हुआ होता है। हैमर इसकी स्पेसिफिक पोजीशन पर पहुंचकर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण स्पाइक पर एम्बोज्ड कैरेक्टर पेज पर प्रिंट हो जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के फॉर्म में ही अगला प्रिंटर जो अभी भी यूज में लिया जाता है उसका नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काफी सस्ता माध्यम माना जाता है प्रिंटिंग के लिए। और इसमें प्रिंटिंग के लिए एक मैट्रिक्स टाइप का हेड लगा हुआ होता है। मैट्रिक्स यानी कि जो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। इस मैट्रिक्स बेस्ड स्ट्रक्चर में बहुत सारे होल्स होते हैं। उन होल्स में पिनें पुटअप रहती हैं। जिस भी कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है उस कैरेक्टर को प्रिंट करने के हिसाब से ही पिनें रिबन पर हिट करती हैं। जैसे कि आर को प्रिंट करना हो तो आर के अकॉर्डिंगली ही उस मैट्रिक्स में पिनें हिट करेंगी रिबन के ऊपर, और रिबन के पार जो पेज है उस पेज पर आर अंकित हो जाएगा। ठीक इसी तरह से जिस भी कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है उस कैरेक्टर को प्रिंट होने के लिए जिन जिन पिन्स की जरूरत होती है केवल वही पिन्स उस हेड में सप्लाई होती हैं और तेजी के साथ रिबन को हिट करती हैं। रिबन को हिट करने पर रिबन के पार जो पेज लगा है उस पेज पर वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाता है। रिबन पॉलिसी होने के कारण अभी यूज में लिए जाने वाले प्रिंटर्स में से सबसे इकोनॉमिकल प्रिंटर इसी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को माना जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक बेनिफिट और है कि इसमें पेज का रोल लग जाता है। तो बल्क प्रिंटिंग के लिए पासबुक प्रिंट करना हो या बल्क प्रिंटिंग में स्टेटमेंट्स प्रिंट करने हो तो इसका बहुत ज्यादा यूज इसमें लिया जाता है। इस डायग्राम में पिक्चर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरे में ये हेड दिखाया हुआ है। हेड के पार जो प्रिंट आप देख रहे हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के प्रिंटिंग पर ही बेस्ड है। आमतौर पर जिस पेज पर प्रिंटिंग के समय छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं वहां ये समझ लेना चाहिए कि वो प्रिंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू ही लिया गया है। ग्राफिक्स प्रिंट करने में ये प्रिंटर कैपेबल नहीं होता है। केवल इसका यूज जनरल टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए ही किया जाता है।